बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो सबसे पहले जी आप लोगों का वेलकम हो गया चक नंबर 14 बहावलपुर से। तो अभी दूसरा दिन है मेरा यहाँ पे और यहाँ का पहला व्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी आया हूँ मैं इधर खेतों की तरफ, मामू के डेरे वाली साइड पर। तो इन लोगों के ना ये डेरे लादा होते हैं यहाँ पर डेरे, ठीक है। यहाँ पर जानवर वगैरह रखते हैं या खेतों का कोई सामान वगैरह हो वो रखते हैं। और बाकी जो रहते हैं लोग जहाँ पे अपने घर होते हैं वो इस तरफ है चक, ये सामने वाली साइड पे यहाँ पे नजर आ रहे हो आप। तो अभी जी इधर मामू की ज़मीन वाली साइड पे आए हुए थे। यहाँ पर दो कज़न है मेरे, ये आए हुए थे साथ। यहाँ पर गाय खोली हुई है इस टाइम, तो वो चारा वगैरह खा रही है, इसको बांधना है दोबारा इधर डेरे पर ही। अच्छा, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो पानी खड़ा है, तो ये इन लोगों ने पानी खड़ा किया हुआ यहीं पर ही। ये खाला जो बना हुआ है साइड पर, यहाँ से पानी खोलते हैं इसके लिए, ये जानवरों को पानी पिलाने के लिए और बाकी किसी इस्तेमाल के लिए करो, तो यहीं पर पानी खड़ा होता है। अभी बारिश आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर, चेक करें, ये लगातार हल्की हल्की बारिश चल रही है। अच्छा, एक डेरा ये बना हुआ है और एक वो, ये मामू लोगों का डेरा है आगे, ये नज़र आ रहा है ना आपको यहाँ पर। और यहाँ से ज़मीन स्टार्ट होती है मामू की, ये इस खाले से लेकर यहाँ से और दूसरा एंड वहाँ पर है वो आगे, वो जो दरख्त लगे हुए ना वहाँ से, बड़ा किकर का दरख्त है वहाँ से, वो लेके फिर आगे उस डेरे तक। और डेरे के बैक साइड पे भी है कुछ, ये यहाँ पर। अभी जी बरसाती मेंढक निकले हुए हैं, अभी आवाज़ आ रही होगी उनकी अभी, ये। अच्छा जी, ये ज़मीन के साथ ना ये खाला है यहाँ से, और ये कह लें स्ट्रेट ही जा रहा है आगे भी, ये जहाँ भी पानी लगाना होना यहाँ से खोल लेते हैं, खोल के ना तो इस खेत में पानी हो जाएगा, फिर आगे हो जाएगा। अभी ये वाला खेत खाली पड़ा हुआ है, तकरीबन 2.5 कनाल जगह है ये, और आगे तकरीबन 8 कनाल है यहाँ से लेकर ना वो आगे डेरे तक। तो ये चारा है कुछ, घास है, और ये अभी खुद ही बीजा नहीं हुआ उन्होंने, बारिशें काफ़ी हुई हैं उसकी वजह से निकल आया ये इस तरफ भी। अच्छा, ये भाईजन जा रहे हैं ये कोतरड़ा ले के, तो इनका गधा जो है ना वो भाग गया पहले ही, तो अभी खुद चला के जा रहे हैं। अभी जी बारिश आस्ता आस्ता तेज़ हो रही है। तो यहाँ पर ना होता यूँ है कि लोगों की जितनी ज़मीन होती है ना ज़्यादातर वो सारी इकट्ठी होती है, कह लें कि एकड़ों के हिसाब से, तो उसमें पार्टीशन कर लेते हैं छोटी छोटी जगह बना के, ठीक है। अभी जिस तरह ये डाई कनाल ये बना हुआ है, ये आगे किनारे लगी है, इधर साथ खाल है और डाई कनाल आगे बना हुआ है, इस तरह छोटे छोटे पीस करके ना, तो मुख्तलिफ़ फसलें इसमें काश्त करते हैं लोग। अभी आज का सीज़न चल रहा है कपास का, और गन्ना जो लोगों ने बीजने के लिए रखा होता है वो भी लगा रहता है ज़मीन में ही, तो वो भी कुछ हिस्सों पे लगा होता है। फिर एक और चीज़ होती है कि लोगों ने ना जानवर रखे होते हैं, तो उसके लिए चारा वगैरह काश्त करना होता है, क्योंकि अभी तो बारिशें हो गई हैं, उसकी वजह से घास वगैरह काफ़ी हो गया, बहुत कम लोगों ने चारा काश्त किया हुआ है। वो सामने जो देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ पर पहले जब लास्ट टाइम मैं आया था ना, तो यहाँ पर माल्टे का बाग था, तो अभी खाली है बिल्कुल। अभी खड़ा हूँ जी मैं डेरे के अंदर ही, और डेरे पे काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कह लें कि ज़मीन के काम के लिए, और ये कुछ मशीनें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये आगे आल वगैरह पड़े हुए हैं, वो रोटावेटर पड़ी हुई है आगे, और ये पीछे जो देख रहे हैं ना आप मेरे पीछे, इसको बोलते हैं जी बूम, ये स्प्रे के काम आती है। जब हमारी तरफ ये होता है ना कि छोटी छोटी बोतलें होती हैं जो स्प्रे करते हैं, अगर कोई दवाई वगैरह स्प्रे करनी हो फसलों में, तो यहाँ पर क्योंकि एकड़ों के हिसाब से ज़मीनें होती हैं, तो उसके लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है, बूम बोलते हैं इसे। अच्छा, ये जो बूम मशीन है इसमें तकरीबन आप कह लें कि 200 लीटर के करीब ना दवाई आ जाती है जो स्प्रे के लिए काम होती है, और तकरीबन इसकी कीमत होगी 2-2.5 लाख रुपये, और हर डेरे पर तकरीबन पड़ी होती है, ज़्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं कि ट्रैक्टर के साथ लगाई और फसलों में स्प्रे किया, ये इसके पाइप लगे हुए हैं ये वाले नोज़ल वगैरह, ये ड्रम है इसका जी जिसमें दवाई वगैरह डालते हैं, और छोटी छोटी मोटरें वगैरह लगी हुई हैं साथ, ये मोटर लगी हुई है इसके साथ, ये साथ पाइप जा रहा है, और ऊपर भी छोटा सा पंप लगा हुआ है ये। अच्छा, ये डेरे के साथ छोटे छोटे बने होते हैं जो कमरे के, लेकिन आम छत डाला हुआ था इन पे, छत डाला होता है कच्चा सा, और ये आगे जो देख रहे हैं ना आप, ये जंगला पड़ा हुआ है ये कबूतर रोकने के लिए ना, साथ ये जानवर बंधे हुए हैं, ये इधर बकरियाँ बंधी हुई हैं, ये जी इन्होंने दुम्बे भी रखे हुए हैं, ये जा रहे हैं अभी चारा वगैरह खा के वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये रेड़े भी खड़े हुए हैं, हर तकरीबन हर डेरे पर भी एक अरे दो होते हैं, कुछ लोग बाइक के साथ बांध लेते हैं, कुछ लोगों ने गधे रखे होते हैं उसके साथ बांध के ना,
चारा वगैरह छोड़ना हो या कुछ और सामान ढोना हो वो। अच्छा ये सामने जो मशीन है ये नाम मुझे नहीं पता, ये जमीन बराबर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा ये जो डेरी लगी है ना ये तूड़ी है, तूड़ी बोलते हैं इसको हम लोग, भूसा बोलते हैं ये। ये बादल आ रहे हैं जी, अभी भी बारिश बनी हुई है, बारिश अगला पूरा हफ्ता बताई गई है। और ये देख ले मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा हो गया। तो अभी टाइम हो रहा है जी तकरीबन शाम के 5:30 बज रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर इस टाइम काफ़ी धूप होती है, तो अभी आज मौसम माशाल्लाह से बहुत प्यारा है इसलिए कम है। अभी बारिश रुकी है बिल्कुल, ये आपको दिखाता हूँ पानी के ऊपर, ये बारिश बिल्कुल रुकी हुई है यहाँ पर। अच्छा जी, ये जो पहले मैंने आपको बताया था ना ये जो बन जिसको हम बोलते हैं हम इसको, ये वाली बन जो है इसको टोबा भी बोलते हैं, और टिब्बा, टिब्बा वो सामने जो नज़र आ रहा है ना आपको मिट्टी का टीला, टीला हम बोलते हैं और टिब्बा भी बोलते हैं। तो ये और ये इस पानी को खड़े को बोलते हैं टोबा। अभी जी टाइम हो रहा है तकरीबन 7 बज रहे, मगरिब होने वाली है और गाय खुद ब खुद ना चारे से बाहर निकलना स्टार्ट हो गई हैं। अभी जी गाय बांधने का दोबारा टाइम हो रहा है, तो अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, तकरीबन टाइम हो रहा है मगरिब का। और ये छोटा कज़न जा रहा है गाय बांधने के लिए, तो बारिश फिर से हल्की हल्की ना शुरू हो गई है। तो ये जी मेरी भागलपुर से आज की पहली वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मस्त है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।